बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो का आगाज करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल सारिम फैमिली को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो आज की वीडियो है मेरी आज की रूटीन, तो शुरू करती हूँ रूटीन। तो आज ना मैंने वो कपड़े धोने हैं, वॉशिंग मशीन लगानी है, तो बच्चे जो हैं वो स्कूलों और कॉलेजों में जा चुके हैं। तो अब मैं अपने घर का काम जो है वो शुरू करती हूँ और साथ साथ शेयर करती हूँ। तो अब मैं मशीन निकालती हूँ और बाहर ले के आती हूँ और कपड़े धोने शुरू करती हूँ और आगे की रूटीन साथ साथ शेयर करती जाऊँगी। तो ये देखें कपड़े, आज दिन है कपड़े धोने का, तो कपड़े उधर भी रखे हुए हैं और ये मशीन भी भरी हुई है। तो अब मशीन को निकालती हूँ बाहर और कपड़े धोने शुरू करती हूँ। एक हाथ में है मेरे कैमरा और दूसरे हाथ से मशीन बाहर आ रही इधर। तो अब बाकी कपड़े भी उठा के लाती हूँ, तो फिर कपड़े धोने शुरू करूँगी। तो ये भी उठा लिए, तो ये साबुन मैंने काट लिया है। अब मैं इसे मशीन में डालती हूँ। तो कभी कभी साबुन डाल लेती हूँ और कभी सिर्फ। तो साबुन से ना जल्दी कपड़े अच्छे हो जाते हैं साफ, तो सिर्फ जल्दी निकलता नहीं है कपड़ों से, तो इसलिए मैं ज़्यादातर ना डालती हूँ साबुन। तो ये मैंने काट लिया है, अब इसे ना डालती हूँ मशीन में, तो कपड़े धोने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे जो कपड़े हैं ना वो मैंने धो लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा थे कपड़े, तो यही रह गए हैं बस। आखिरी कपड़े जो मैं डाल रही हूँ, तो फिर ये मशीन धोऊंगी और फिर कपड़ों के काम से फारिग हो जाऊंगी, तो फिर अगली मशीन जो है ना वो शुरू हो जाएगी। तो कपड़े मैंने धो लिए हैं, वॉशिंग मशीन से फारिग हो गई हूँ, धो के अंदर रख ली है। तो कपड़ों का काम ख़त्म हो गया है, तो अब मेरी ना शाम की रूटीन शुरू होती है। तो शाम की रूटीन में मैं खाना बनाने लगी हूँ, तो खाने का जो काम है वो भी शेयर करती हूँ कि जो मैं कहूँगी वो साथ साथ शेयर करती जाऊँगी। तो मैंने आज बनानी है दाल माश, तो शुरू करती हूँ और साथ साथ आपको दिखाती हूँ। तो अब ना मैं मसाला पीसने लगी हूँ, तो मसाला जो है ना वो ख़त्म हुआ था, पिसा हुआ। तो अभी मैं सालन बनाने लगी हूँ, तो मैंने कहा कि इसी में ये मसाला भी पीस लेती हूँ। तो ये मसाला पीसती हूँ बैठ के पहले, तो फिर बाकी का काम। तो ये बनाने लगी हूँ मैं सालन। तो ये मैंने दाल धो के रखी हुई थी, पानी में डाल के रखी हुई है, धो के साफ करके प्याज काट के रख लिया है, टमाटर, लहसुन अदरक, सब्ज मिर्चों का पेस्ट, धनिया और जितने मसाले जो इनकी ज़रूरत है, नमक मिर्च मसाला और हल्दी। तो ये देखिए मैंने आयल डाल लिया है, आयल हो गया है गरम, तो अब इसमें डालती हूँ प्याज। तो प्याज को हल्का ब्राउन होने तक पकाऊंगी, बाद में इसमें डालूंगी लहसुन अदरक और सब्ज मिर्चों का पेस्ट। सारी गया हुआ है दूध लेने,
फिर उसका ये टाइम होता है दूध लाने का, दूध ला के फिर वो जो है हमारे शाम शाम को बर्तन में प्याज हल्का ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डालती हूँ लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। ऐसे भी करूँगी तो फिर ना डालूँगी इसमें नमक मिर्च मसाले और टमाटर वगैरह। लहसुन अदरक और सब्ज मिर्चें प्याज हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें डालती हूँ नमक मिर्च मसाले जो मैंने पहले ही प्लेट में डाल के रख लिए थे जिसकी ज़रूरत थी, तो इनको दो मिनट तक ऐसे भूनती हूँ। साथ ही ये डालती हूँ टमाटर। तो टमाटर भी इतने महंगे हो गए हैं, ये 20 रुपये का एक टमाटर मिला है, तो कोई हाल नहीं रह गया महंगाई का, बंदा करे तो क्या करे। तो अगर इसे ना डालें तो फिर चीज़ का मज़ा नहीं आता पकाने का, खाने का मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा डालती हूँ पानी इसमें, वैसे तो ना कच्चे टमाटर वगैरह मंगवा लेते हैं तो आज ख़त्म हो गया था, तो मैंने सारियों को भेजा के धनिया और टमाटर ले के आओ, तो 20 रुपये का एक टमाटर इतना सा मिला है। मसाला अच्छी तरह से भून लिया है मैंने, अब इसमें डालती हूँ दाल माश, तो फिर इसे भी 2-3 मिनट तक भूनूंगी, तो फिर इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी पानी और दाल माश तैयार हो जाएगी। पर मैंने दाल भी बना ली है, सारी अभी तक नहीं आया, लेट हो गया है, दूध लेके अभी वापस आया ही नहीं, पता नहीं आज क्यों लेट हो गया। मैंने तो कहा था कि आ जाएगा सर, थोड़ी रौनक हो जाएगी, तो वो आया ही नहीं, पता नहीं किसी दोस्त के पास खड़ा हो गया है या अभी दूध ही नहीं मिला। तो अब इसे ना ऐसे ही भून लूँगी 2-3 मिनट तक, तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये जो दाल है ना वो अच्छी तरह से पक जाए। सालन मेरा तैयार हो चुका है, मम्मा जी मैं डाल रही हूँ धनिया। मम्मा जी हाँ जी, आज क्या बनाया है? आज मैंने बनाया है दाल बनाई है माश की, तो आज तो मेरी पसंदीदा चीज बन गई है, पसंदीदा चीज बन गई है। तो मैं इसे छोटा था वो मछली वाली दाल कहता था कि और किसी को इसी को मछली वाली दाल। तो सारे को ये दाल बहुत ही पसंद है, तो सारे भी इतने लेट क्यों हो गए? तो मैं ना दूध लेने गया तो वहाँ पर जो रश भी बहुत था, तो एक ना वहाँ पर जहाँ पर आपने देखा होगा हम नहर पर जाते हैं कभी कभी वीडियो बनाने के लिए, जहाँ पर पास का मैदान भी है, तो वहाँ पर वो सफेद के दरख्त है ना, तो वो काट रहे थे, वो जब उन्होंने काटा वो नीचे गिरा तो तार में लगकर तार काट हो गई, तो बिजली बंद हो गई, इसलिए फिर देर लग गई। तो बिजली अब पता नहीं कब आएगी, हमारे तो यूपीएस है। तो ये सालन हो गया है तैयार, तो अब ना रोटी इसका एक बार दर्शन कर लेने दे। ठहरो एक मिनट, तो ये देखें, वाह 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 वाह, मजे की दाल तैयार हो चुकी है। तो अब मैं रोटी पकाती हूँ और फिर सब बैठ के खुशबू इतनी अच्छी है।
भूख लगने लगी। ये देखें लाइट भी बंद काफी देर से हुई है तो आई नहीं है। अभी हमारे बर्तन भी धोने वाले पड़े हैं वैसे ही, तो अभी मैं पकाऊंगी रोटी। तो बाकी काम जो होंगे चीज़ें होंगे क्योंकि लाइट नहीं है, पानी खत्म है, तो मुझे ना आटा पकड़ा दो। चलो सर, वो कैमरामैन पकड़ेगा, कैमरामैन का काम होता है। चलो तो आटा नहीं पीओ, मेरा मैदा खराब है, आटा मिला होगा। जल्दी जल्दी उठ जाओ, मेरा मैदा खराब है, मैदा खराब है। चलो शाबाश, आटा पकड़ा दो, ठीक ना, फिर मैं सो जाऊंगा। तो सालन हो गया है तैयार, अब मैं बनाऊंगी रोटियां, तो रोटी पका के सबको दूंगी खाने के लिए। और मैं अपने के लिए छुटकू से बनाने लगा हूँ, बना लूँ? बना लो। ऐसे बनाते हैं ना, पहले उसको सुखा लेते हैं, सुखा आटा लगा लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं कि हाथ से उतर जाए, तो उतर ही नहीं रहा। ठीक है, उतरा गई भैंस पानी में। तो ये हो गई मेरी रोटियाँ तैयार, नहीं अभी नहीं, अभी तो हुए हैं पेड़े तैयार। मम्मा इसको मैं पकाऊंगा भी खुद ही, ठीक है, पका लेना। तो गाइस आप भी साथ रहिएगा, आपको भी दिखाऊंगा कि मैं रोटी कैसे बनाता हूँ। तो ये देखे सारे भी रोटी, इसको पेट भर देगा। हाँ जी, इसको उठाऊंगा कैसे, ये देख, मैं उठाऊंगा, मैं इसको तो सेकने की जरूरत भी नहीं है। करो करो, तो ये देखे कैसे है ना, मशरूम की शक्ल की रोटी तैयार हो चुकी है। इस साइड से मशरूम लगता है, ये देखे। जल्दी करो, आप मुझे अपनी रोटी बड़ी करनी, उतनी देर में पका लेता हूँ। उतनी देर लोग मुझसे रोटी पकाना सीखे जिसको अभी खुद नहीं आती। तो ये मेरी रोटियां भी पक चुकी हैं, आधी रोटी रह गई है, तो अब इसके बाद मैं सबको खाने के लिए दूंगी और काम हो जाएगा सारे सारा। पहले मम्मा खाएंगे और फिर मैं दूंगी। इसका उल्ट है, मैंने उल्ट कहा है, पहले हमें देंगे और फिर मम्मा खाएंगे। जब हम सब खा लेते हैं हमारे बाद मम्मा खाते हैं। तो गाइस जो वो मैंने आलू वाला इतना सामान बनाया था, बहुत ही ज्यादा मजेदार बना था। कौन सा? वो जो अभी छोटा सा बना कर रहा हूँ। तो बाकी की रोटियां फिर शेयर करते हैं। तो ये देखें हमारा सालन कितना मज़ेदार तैयार हो गया है, गांव की शाम की रूटीन रोटी खाने की। और ये रोटी तैयार हो चुकी है, तो अब हम आप चाहेंगे इजाज़त। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल सारम फैमिली को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखती हूँ। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, शाद रहे, आबाद रहे। सांस चढ़ गया मुझे, शाद रहे, आबाद रहे। इसी दुआ के साथ वीडियो का करती हूँ एंड। बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो टाइम के साथ आपके पास पहुँच सके। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।